इन सब खानों को सोच के याद करके ये याद आया कि आज तो करवा चौथ है। हाय गाइस, वेलकम टू फंकीनेस विद भावना। अगर मेरी आवाज़ ही निकल रही है उसकी दो रीजंस है, एक तो मेरा गला ख़राब था पीछे, और आज क्योंकि करवा चौथ है तो मैंने सोचा कि करवा चौथ व्लॉग बना दूँ। तो सबसे पहले ये वाली क्लिप देख लो और आपको पता चलेगा कि मैंने मेहंदी कैसे लगवाई है। अगर आप चित्रकारी भी चल रही है, फील हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ब्लैंक फील हो रहा है। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है इस बार, लेकिन भूख उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। तो जो जिन लड़कियों का भी फर्स्ट करवा चौथ है, हैप्पी करवा चौथ टू यू गाइस, स्पेशली लाइक ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका अच्छा गुजरा हो करवा चौथ। और सीरियसली हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन हु वर्क ऑल डे एंड डू हाउस होल्ड चोर्स एंड एवरीथिंग वाइल हैविंग करवा चौथ। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही ट्रिमेंडस जॉब करती हैं वो लोग। अभी मेरी हालत ख़राब लग रही है क्योंकि मैं साड़ी ढूंढ रही थी कि मैं कौन सी पहनूँ, कपड़ों में भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि एक सूट है मेरे पास, थोड़ा सा हैवी लुकिंग अगर आपको दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ये पहनती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे को साड़ी पहनने का बहुत मन है क्योंकि साड़ी पहनने के मौके बहुत कम मिल पाते हैं। फिर मेरे को लग रहा है कि सूट आगे जाके फिट आए ना आए, इसलिए सूट शायद पहन लूँ। वैसे मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ इन द सेंस कि मुझे मतलब ये सब प्यार में ये सब चीज़ें करने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस वे में ट्रेडिशनल नहीं हूँ कि मुझे पूजाएं और ये रिलीजियस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब आई एम नॉट इनटू इट। तो इससे मैं मिक्स ऑफ बोथ करती हूँ, मतलब आधी अधूरी चीज़ें करती हूँ, जो कि जैसे अगर करवा चौथ रखना है तो आई कीप इट फॉर द लव ऑफ माई लाइफ, बट आई माइट नॉट डू मोर फास्टिंग। आज बिल्कुल माइंड के साथ आई कुड वॉच बिग बॉस, और किस किस को मज़ा आ रहा है बिग बॉस में इस बार अगर आप देख रहे हो तो। मैं बिग बॉस देख रही हूँ, मेरे को पिछली बार वाला बिल्कुल अच्छा लगा था, इस बार वाला स्टिल डिसेंट है बट बहुत ग्रेट अभी भी नहीं है। तो बिग बॉस थोड़ा आई थिंक हैज लॉस्ट इट नाउ, अब वो मतलब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है। मैं एनीवे मुझे योर फेवरेट कंटेस्टेंट कमेंट डाउन करके बताओ मुझे, और बताओ कि आपको फेस्टिवल्स कैसे लगते हैं। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ और मैंने साड़ी ही पहनी अल्टीमेटली, और टेंपल ज्वेलरी, यूजुअल मेकअप। बट पूजा करने का जो एक्सपीरियंस था वो आज के डेट में अच्छा था, मतलब एज इन प्रीवियस टाइम से बहुत बेटर था क्योंकि बहुत ही पीसफुल था मंदिर के अंदर, एक हॉल के अंदर। मैं वापस आ गई हूँ, मैंने एक चाय पी है, आई एम फीलिंग मच बेटर, रिलैक्स्ड। अब 8:15 तक कह रहे हैं कि मून निकलेगा, देखते हैं कि 8:15 तक निकलता है या बहुत बड़ा धुक्का देता है। बस जब प्रिडिक्ट कर लो कि चांद कब आएगा, 8:15 तक आना था और अभी 8 बज गए हैं, लेकिन बैंड बज गए लिटरली। अब इतनी ज़ोर से भूख लग रही है ना, शाही पनीर और दाल मखनी सूझ रहा है, कोक सूझ रही है, रोटी सूझ रही है, बिस्किट सूझ रहे हैं, उफ यार, मतलब वेट एंड मोमेंट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। अब लग रहा है कि बस होए खा लूँगी इस तरीके से, क्योंकि खाने की आदत हो चुकी है ना, साइकोलॉजिकली भूख लगती है। अब एक्चुअल में भूख लग रही हो या नहीं, लेकिन अब एक्चुअल वाली भूख भी शुरू हो गई है जब पेट में गुड़ 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 शुरू हो गया। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी।
चलो बताओ how are you feeling? I'm feeling good. I did not have anything पूरे दिन and now मैं पूरे दिन का चांद देख कर आए हैं. मैं खाना खाएंगी अब. कितनी मेहनत से चांद निकला भाई, वो भी इतना हल्का सा, जैसे कोई भूखा बैठा. मैं भूखा बैठा था ना इसीलिए. I was fasting. में आने वाला है खाना और आसपास लोग खाना खा रहे हैं. थोड़ा बहुत मन कर रहा है खाना खाने का. ओके, माय करवा चौथ इज ऑलमोस्ट ओवर. आई हैड द फूड, बहुत मज़ा आया. पनीर और रोटी जो मुझे सुबह से टेम्पटेशन हो रही थी वो मैंने फाइनली खा लिया. और इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डे. चांद बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का निकला था, बहुत ही मुश्किल से निकला था बट बहुत सुंदर लग रहा था. ऑरेंज कलर का बड़ा बड़ा सा और बहुत देर बाद निकला था तो ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी. तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और लाइक का बटन दबा देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है. बाय बाय.